आईटीएम यूनिवर्सिटी की ओर से बड़ोदा हाई स्कूल अलकापुरी में प्रोजेक्ट फेयर का आयोजन किया गया है। आईटीएम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने आईटीएम यूनिवर्सिटी की ओर से आयोजित प्रोजेक्ट फेयर में विभिन्न थीम पर आधारित प्रोजेक्ट प्रदर्शन में रखे हैं, जिसमें मुख्यतः ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल एजेंट्स, ऑटोमेशन और सुरक्षा जैसे प्रोजेक्ट प्रदर्शन में रखे हैं। आईटीएम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने 2018-19 के दौरान तैयार किए गए प्रोजेक्ट में से 59 प्रोजेक्ट इस प्रदर्शन में रखे हैं। प्रोजेक्ट फेयर आयोजित करने का मुख्य हेतु यह है कि लोगों में इंजीनियरिंग को लेकर जागरूकता आए और आज का युवा पर्यावरण और ऊर्जा की रक्षा कर सके। ऊर्जा और पर्यावरण विभाग के छात्रों ने 4 सीटर इलेक्ट्रिक कार, कृत्रिम तेल तैयार करने की मशीन और एनर्जी सेविंग मशीन भी इस प्रदर्शन में रखी है। અમે આ પ્રોજેક્ટ એવી રીતે બનાવ્યો છે કે અત્યારે જો પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ અર્થ ઉપર બહુ જ વધી ગયું છે, એના લીધે આપણું એન્વાયરમેન્ટ બહુ પોલ્યુટેડ થઈ ગયું છે. હવે એ આગળ આટલું પોલ્યુટેડ ના થાય એટલે અમે એક રસ્તો કાઢ્યો છે. એનો એવો રસ્તો છે કે એના પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકમાંથી યુઝફુલ ઓઇલ બનાવ્યો છે. હવે આ રીતે પાયરોલિસિસ પ્રોસેસ આને કહેવાય છે કે એ પ્રોસેસમાં એવું થાય છે, ઓઇલને આપણે પ્લાસ્ટિક વેસ્ટ પ્લાસ્ટિકને ગરમ કરીએ છીએ, એ પ્લાસ્ટિક વેપરાઇઝ થઈને એને કુલન્ટ દ્વારા કુલ કરીને એક ચેમ્બરમાં એનું કુલન્ટ આવે છે અને એ જે કુલન્ટ આવે છે એ ઓઇલ તરીકે આવે છે. હવે એ ઓઇલનો યુઝ આપણે ફર્નેસમાં અને બોઇલરમાં યુઝ કરીએ છીએ અને એનો ફર્ધર આગળ પ્રોસેસ કરીને આપણે એન્જિન ઓઇલમાં ડીઝલ તરીકે પણ યુઝ કરી શકીએ છીએ. હવે આમાંથી જે ગેસ પ્રોડ્યુસ થાય છે એ ગેસને આપણે વેચી શકીએ છીએ, એમાં મિથેન ને કાર્બન ડાયોક્સાઇડ એટલે આપણે એને ફ્લેમેબલ ગેસ છે એટલે એને ગેસ તરીકે પણ ઉપયોગ કરી શકે, રાંધણ ગેસ તરીકે. એ પ્રોજેક્ટ જો હૈ હમારા 2 દિન ચલને વાલા હૈ, આજ 4:30 બજે શરૂ હોકે 7:30 બજે તક રહેગા और उसके बाद कल जो है सुबह 10 बजे से शाम को 6 बजे तक रहेगा। ऑगमेंटेड रियलिटी का यूज़ करके घर में जैसे फर्नीचर खरीदना है तो आप फर्नीचर को किस तरह उसका कलर चेंज कर सकते हैं, उसका कलर देख सकते हैं, उसको कैसे ले करना है वो देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा अभी हम ले लेते हैं एनवायरमेंट और एनर्जी का एरिया। एनवायरमेंट में जैसे कि अभी ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि हम लोग जो वेस्ट प्लास्टिक है उससे लोग सिंथेटिक ऑयल बना रहे हैं, राइट, और जो उसका वेस्ट होगा वो डामर की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं रोड में। इसी तरह हमारा दूसरा जो है प्रोजेक्ट जिसमें कि जो अभी नीचे हम देखेंगे, इसमें जो वेस्ट प्लास्टिक है उसको एक्सट्रूड करके उससे हम लोग वायर निकालते हैं, वो वायर 3D प्रिंटर में यूज़ होती है।